महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को दिल्ली में रामलीला मैदान पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के लोकतंत्र बचाओ रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी से कहा, देश आपके साथ। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, ये चुनावी रैली नहीं है, दो बहनें हिम्मत से लड़ रही तो भाई कैसे पीछे रहेगा। कल्पना सोनरेन और सुनीता केजरीवाल, आप चिंता नहीं कीजिए, पूरा देश आपके साथ। आशंका थी कि तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, तो यह आशंका नहीं है, यह सच्चाई हो चुकी है। हम चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आए, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आए। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के खिलाफ नारा लगाया। उन्होंने कहा, अब की बार भाजपा तड़ी पार। वहीं ठाकरे ने आगे कहा, उन्हें लगता होगा कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया तो डर जाएंगे, हम डरने वाले नहीं। उन्होंने देश वालों को पहचाना नहीं, भारत का कोई भी डरने वाला नहीं है, केंद्रीय एजेंसियां उनके साथ हैं, हम इंडिया गठबंधन बनाकर आए हैं। अगर आप में हिम्मत है, बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं, बैनर पर लिख दो कि बीजेपी के साथ तीन पार्टियां हैं, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग। समय आ गया है कि कितने दिनों आलोचना करते रहेंगे। देश के लिए एक व्यक्ति और एक पार्टी की सकारात्मक सरकार खतरनाक हो गई है। वहीं उद्धव ठाकरे ने मंच से कहा, मिलीजुली सरकार लानी होगी, सभी राज्यों को सम्मान करने वाली सरकार लानी होगी, अभी देश बचेगा। हम चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए, लोकतंत्र बचाने के लिए आए। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा दिया गया है और जेल में डाल दिया गया है, ये कैसी सरकार है? बीजेपी ने जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उन्हें वॉशिंग मशीन में डालकर नहला दुलाकर अपने मंच पर विराजित कर दिया है, आप इन पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? वहीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आगे कहा, केजरीवाल जी को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन केजरीवाल भी शेर है। जेल से केजरीवाल ने आपके लिए संदेश भेजा है, उन्होंने कहा कि मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा, मैं आपसे किसी को हराने या जिताने को नहीं बोल रहा। जब कुछ नेता सुबह शाम लक्ष्यदार भाषण देते हैं, देश लूटने में लगे रहते हैं, तो भारत माँ को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे लोगों को भारत माँ से सख्त नफरत है। आइए एक नया भारत बनाते हैं, जहाँ हर किसी को खाना मिलेगा, रोजगार मिलेगा, कोई गरीब नहीं होगा, हर एक को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी, हर बीमार को अच्छा इलाज मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। एनपी टाइम्स की रिपोर्ट।